भाजपा सांसद सीपी जोशी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। साथ ही प्रदेश में कई जगहों पर हुई हिंसा पर बोले कि सरकार ने करौली, जोधपुर, भीलवाड़ा की घटनाओं को रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में राजस्थान पर एक प्रस्ताव आया है, उस पर बात करेंगे राजस्थान बीजेपी के सांसद सीपी जोशी साहब से। जोशी जी, ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में पूरी तरह से फेले, नाकाम है, कई तरह के अपराध बढ़े हैं राजस्थान में, क्या कहेंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से आज़ादी के बाद से लेकर अब तक देखें तो राजस्थान सरकार की जिस प्रकार से नाकामियां हैं उससे आम जनता तरफ से लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो वादे ही सरकार ने करके जनता में सरकार में आए, उन सब वादों पर आज जनता इंतजार कर रही है कि वो वादे कब पूरे होंगे। चाहे कर्ज माफी का मामला हो, चाहे इन्होंने कहा बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे, हम रोजगार देंगे, हम सुशासन देंगे, लेकिन हुआ ये कि तुष्टिकरण की नीति के अलावा कुछ हुआ नहीं। छोटी बच्चियों से लेकर नाबालिग बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार हो रहा है, हमारे मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तुष्टिकरण की नीति हो रही है, विकास पिछले 3 वर्षों में ठप हो गया है, जो काम हो रहा है केंद्र सरकार की योजनाओं से हो रहा है। तो निश्चित रूप से अभी तक की सबसे नकारा और आक्रमण की सरकार कोई है तो ये अभी 3 वर्षों की सरकार है जिसने राजस्थान की जनता से अपना विश्वास खो दिया। सर, राजस्थान को एक शांतिपूर्ण राज्य माना जाता है, लेकिन हमने देखा करौली से लेकर के जिस तरह की घटनाओं का सिलसिला लगातार शुरू हुआ है, शिव मंदिर भी तोड़ा गया, बीजेपी ने भी कई सारे प्रदर्शन किए, क्या लगता है आपको इस तरह के जो ये जो नई जो चीज़ें चालू हुई हैं, क्या कहेंगे इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस की एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। अभी तक राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार से धार्मिक स्थानों को कभी निशाना नहीं बनाया गया, और वो भी सरकार के माध्यम से। असामाजिक तत्व भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार का प्रश्न उनको है। ये तो सीपी जोशी जिनका कहना है कि सरकार के समर्थन के बिना पूरे प्रदेश में, राजस्थान में दंगे कराना संभव नहीं है। कैमरा मैन अवधेश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर।